हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये इंश्योरेंस कंपनी है, इसका थोड़ा बहुत हम डिटेल देख लेंगे विकिपीडिया पे, फिर इसके वेबसाइट पे जाएंगे और उसके बाद हम इसके शेयर के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखो, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा और अच्छी दूँगा, और ये शेयर के बारे में पूरा अच्छे से एनालाइज करूँगा। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एब्रिवेटेड एज अ GICRE, इज़ एन इंडियन नेशनलाइज री इंश्योरेंस कंपनी। री इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है ये आगे आपको वेबसाइट पे पता चल जाएगा, वो भी मैं बता दूंगा। इट इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब ये अपनी इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंडर में है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट कंपनी हो गई और इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 22 नवंबर को 1972 को ये कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हुई है और तब से ये कंपनी है, ठीक है। और GICRE हैज़ रजिस्टर्ड ऑफिस हेडक्वार्टर इन मुंबई। मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अभी इसका प्राइस जो चल रहा है NSE का, यहाँ पे 140 का बताया है, ठीक है। और भी यहाँ पे जो भी डिटेल है, इसके की पीपल कौन है, ये सारी चीज़ें बताए, और नंबर ऑफ लोकेशन कहाँ कहाँ पर है ये भी बताए। दुबई है, कुआला लंपुर और लंदन, मॉस्को, यहाँ पर भी ये प्रेजेंस है इसका, ठीक है। कंपनी वहाँ पर भी चलती है। और अभी हम इसका थोड़ा वेबसाइट पे जाके देखेंगे कि इसके वेबसाइट पे आपको क्या डिटेल्स और समझ में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वेबसाइट है और यहाँ पर देख लो, ये वेबसाइट ओपन हो गया है। GICRE सेलिब्रेट 50 ईयर्स ऑफ सर्विस टू द इंडस्ट्री। 50 साल कंप्लीट हुए और ये इस साल तो आज़ादी का 75 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ही वेबसाइट पे ये चीज़ दिखाई देती है, 75 ईयर्स वाला, ठीक है। और इनका काम क्या है, यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसी तरीके से प्रेजेंट किया है इन्होंने कि लीडिंग द वे एफ्रो एशियन मार्केट के अंदर भी है, ग्लोबल मार्केट में है। और स्वच्छ ही सेवा, ये भारत सरकार का जो मुहिम है उसके बारे में है। द इंडियन री इंश्योरेंस विद अ ग्लोबल फुटप्रिंट, तो ग्लोबली भी इनका फुटप्रिंट है, कदम उन्होंने ग्लोबली में भी रखा है, ठीक है। और लार्जेस्ट एग्री री इंश्योरेंस है ये, और 5 decades ऑफ बीइंग द बैकबोन ऑफ द इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो यहाँ पे बैकबोन बता रहा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको मैं समझा देता हूँ। और यहाँ पे 13th रैंक पे आ रहा है ये, लार्जेस्ट ग्लोबल री इंश्योरेंस ग्रुप के अंदर ये 13वें नंबर पे आ रहा है। और यहाँ पे मैं इसको और भी डिटेल नीचे आपको दिखा देता हूँ, जो डिटेल यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। तो द एंटायर जनरल इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस इसका क्या है, इन इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड बाय जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972, जिसको GIBNA कहा जाता है, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइज्ड एक्ट, ठीक है। जो पूरा जनरल इंश्योरेंस बिजनेस जो भी है ये नेशनलाइज होता है इसके अंडर में, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट के अंदर ये बिजनेस, हर एक जो जनरल इंश्योरेंस है वो इसके एक्ट के अंदर आता है, ठीक है, नेशनलाइज होता है। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, थ्रू नेशनलाइजेशन टुक ओवर द शेयर ऑफ 55 इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एंड द अंडरटेकिंग ऑफ 52 इंश्योरर कैरिंग ऑन जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है। तो 55 इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर इसी के थ्रू नेशनलाइजेशन इसी के थ्रू होता है, ठीक है। और 52 इंश्योरर है कैरिंग द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, जिसका जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है। और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म इन परस्यूएंस ऑफ सेक्शन 9 ऑफ, इसी के लिए फॉर्म किया गया है,
ये GBNA के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इट वॉज अ इनकॉर्पोरेटेड, ये कब बना ये हमने बाहर भी देख लिया, ठीक है, 1956 के एक्ट के अंदर कंपनी। और GIC फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ सुपरिटेंडिंग और कंट्रोलिंग एंड कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ जनरल इंश्योरेंस। तो कंट्रोल करने के लिए जो अदर इंश्योरेंस कंपनीज है मार्केट के अंदर, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस या अदर कंपनी, उनको ये सुपरिटेंड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कैरिंग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ये कंपनी है, ठीक है। और एज सुन एज GIC वॉज फॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसफर ऑल द शेयर। अभी जैसे ये कंपनी बना तो इसको मेन बना दिया और गवर्नमेंट ने पूरा इसमें शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए और ये अभी वो ये कंपनी के हाथ में कंट्रोल दे दिया कि पूरे इंश्योरेंस कंपनी को ये कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। जो और अदर भी और भी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगी, जो भी है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनका बिजनेस कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रीफ में वही चीज़ बताइए। तो आफ्टर द, देखो यहाँ पे हमने ये देख लिया, पूरा ट्रांसफ़र कर लिया, फिर सिमल्टेनियसली द नेशनलाइज अंडरटेकिंग वेयर ट्रांसफर टू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। नेशनलाइज अंडरटेकिंग द ट्रांसफर टू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी के अंदर उन्होंने शेयर ले लिया। और आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मर्जर्स, मर्ज होने के बाद अमंग इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज पूरे, तो 4 कंपनीज वेयर लेफ्ट, तो 4 ही कंपनी बची, ठीक है, पहले इतने थे तो 4 ही अभी इंडियन कंपनीज बची जो फुल्ली ओन सब्सिडरी कंपनी ऑफ GIC। तो फुल्ली ओन्ड है ये कंपनी, इसके अंडर में आती है, GIC के अंडर में आती है, जो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये चारों फिर हो गई, पूरे सब मर्ज होने के बाद ये 4 बन गए, ठीक है। प्राइवेट की बात नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और नेशनलाइज तो होती है और कंट्रोल इसके थ्रू भी देखा जाता है और ये एक्ट के थ्रू भी सभी कंपनीज पे नज़र रखी जाती है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट जो है 1999 का, फिर वो बाद में इसमें आया, फोर्स में आया, उसके पहले यही कंपनी ये करती थी, बट व्हेन द इंश्योरेंस रेगुलेटरी, ये रेगुलेशन के लिए आया कंपनी, ठीक है, और दोनों ये चीज़ें करती है, और बट ये गवर्नमेंट की जो कंपनीज है इसके अंडर में आ जाती है फिर जनरल इंश्योरेंस की, ठीक है। तो इनका ये बिजनेस है, तो इंश्योरेंस कंपनी को कंट्रोल करना या उनका बिजनेस को कंट्रोल करना, ठीक है, तो ये इनका मेन बिजनेस है। तो मैंने आपको ये इसके बारे में डिटेल जो भी यहाँ पे अवेलेबल है वो चीज़ें मैंने बता दी है, और बाकी डिटेल जो पढ़ना है आपको आप पढ़ सकते हो इसके ऊपर, और भी डिटेल्स में और चाहिए तो। अभी हम इसके शेयर के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले इसका टिकट टेप पे जो आ रहा है वो चीज़ हम पहले देखेंगे, ठीक है। तो टिकट टेप पे यहाँ पे जो डिटेल आ रहा है, देखो इसका सबसे पहले प्राइस जो चल रहा है यहाँ पे टिकट टेप पे ये बता रहे हैं 139.95, और यहाँ पे जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो पॉजिटिव बता रहा है, रिटर्न वर्सेस FD भी पॉजिटिव बता रहा है, ग्रीन फ्लैग मतलब पॉजिटिव है। डिविडेंड रिटर्न थोड़ा ख़राब है ऐसा बता रहा है, ख़राब है या देता है या नहीं देता है ये भी हम देखेंगे, ठीक है, ये भी मैं बता दूंगा, ऑलरेडी मुझे पता है लेकिन मैं आपको वो चीज़ दिखा दूंगा, ठीक है। एंट्री पॉइंट अभी अच्छा है ऐसा बता रहा है, ग्रीन है मतलब अच्छा है, और नो रेड फ्लैग नहीं है मतलब कंपनी के डूबने के चांसेस नहीं है, कंपनी आपको आपका लॉस करा देगी ऐसा नहीं है, लॉस इसका मतलब है कि कंपनी आपके पैसे डुबा नहीं देगी, ठीक है, इसका मतलब ये होता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचे जाए तो, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट समझ लेते हैं, इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब कंपनी का जो भाव अभी चल रहा है तो उस कंपेयर में इसका भाव ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अभी सस्ते भाव में मिल रहा है, ये ईजी एग्जाम्पल है कि ये कंपनी का भाव अभी बहुत सस्ते भाव में मिल रहा है, जो इसका इंट्रेंसिक वैल्यू से भी कम भाव में मिल रहा है, करंट प्राइस इज लेस देन इंट्रेंसिक वैल्यू, जो इसका रियल में होना चाहिए उससे भी सस्ते भाव पे ये अभी अवेलेबल है, तो इसमें अपॉर्चुनिटी है। और रिटर्न वर्सेस FD रेट मतलब क्या है कि आपने FD में रिटर्न में पैसे डाले होते हैं FD के रिटर्न के लिए, उससे ज़्यादा रिटर्न ये देता है ऐसा ये बता रहे हैं,
ठीक है, उससे भी ज़्यादा रिटर्न आप कमा सकते हो इसमें। और एंट्री पॉइंट गुड है, मतलब अभी भी इसमें बाइंग नॉट ओवरबॉट जोन, इसको ज़्यादा अभी तक ख़रीदा नहीं है तो अभी ख़रीद सकते हो, आगे इसके बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका तो नो रेड फ्लैग का तो बता दिया कि कंपनी का स्टॉक नॉट इन ASM GSM लिस्ट एंड नॉट लॉट ऑफ प्रोमोटर होल्डिंग इज प्लेज, तो यहाँ पे गिरवी रखे नहीं है शेयर्स, तो और भी प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है इसमें, इसलिए इसमें टेंशन की बात नहीं है। और यहाँ पे इसका वन डे का चार्ट देख लो कितना अप एंड डाउन है, और ऑलरेडी आज मार्केट भी गिरा था, इस वजह से इसका ये हालत है। और एक वीक का भी मार्केट में देख लो इसका प्राइस ग्रीन रेड में ही दिख रहा है, ग्रीन इस यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा है एक वीक के अंदर भी, और अभी एक महीने के लिए कुछ ग्रीन नज़र आ रहा है चार्ट में, तो एक महीने में इसने रिटर्न लगभग 1.25% तक दिया है, तो रिटर्न इतना एक महीने का भी खास नहीं है। ठीक है, तो शेयर में देखो लो इतना था और हाई इतना मारा एक महीने के अंदर भी, एक साल में भी कुछ खास रिटर्न यहाँ पर मिले नहीं है। ठीक है, एक साल में भी 0.5% गिरा है, मतलब ये जो प्राइस था 140 से एक बार बढ़ा था तभी लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा वो टाइम पे, अगर किसी ने लिया रहेगा तो, उसके बाद ये शेयर बहुत गिरा है, इसीलिए अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी में ये नज़र आ रहा है। और 5 साल का अगर हम चार्ट देखेंगे, 5 साल में तो किसी को भी फ़ायदा हुआ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी देखो ये कंटिन्यूसली गिरता हुआ नज़र आ रहा है, कंटिन्यूसली यहाँ पे बीच में बढ़ गया था, लेकिन यहाँ से जो गिरने वाले उनके लिए ये बढ़ने का कोई मतलब नहीं होता, फिर वहाँ से गिरा, अभी थोड़ा ये रेंज में चल रहा है, तो 81 से 449 तक ये गया था, 450 तक का ये शेयर हुआ था, लेकिन वहाँ से ये गिर गया 5 साल के अंदर। और यहाँ पे मैक्स देखेंगे हम, तो मैक्स में भी देखो 2017 का ही डेटा आएगा, तो मैक्स का भी वही रिटर्न रहेगा, SIP करते तो SIP वाले को भी ये लॉस ही करा के देता, अगर 5 साल कंटिन्यू SIP करते जाते तो आज उसका वैल्यू 3500 का होता और 31% वो लॉस करता इंसान। ठीक है, और ये कंपनी देखो मिड कैप कंपनी है, और इसका 24728 का मार्केट कैपिटल है, 728 करोड़ का। ठीक है, 24728 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है, और ये मॉडरेट रिस्क है, मतलब मीडियम रिस्क है, ज़्यादा हाई भी रिस्क नहीं है इसमें, मीडियम टाइप का रिस्क है, तो ऐसा ये वॉलेटिलिटी के हिसाब से बोल रहा है कि अगर आपने शेयर में इन्वेस्ट किया तो उतना ही डाउन भी आता है और अप भी जाता है, मतलब वॉलेटाइल बहुत है एज ए निफ्टी जैसा, ये ट्रेडिंग के हिसाब से ये बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम अभी इसका स्क्रीनर पे देखेंगे बाकी डेटा, इसका फाइनेंशियल्स देखेंगे स्क्रीनर पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीनर पे देख लो, स्क्रीनर पे क्या बता रहा है इसके बारे में, तो सबसे पहले प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही मैं चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, डेटा बहुत रहता है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, बाकी आप डेटा आराम से पढ़ते बैठ सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है और आपके काम आ सकते हो वही इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ और बाकी कोई फेक चीज़ें यहाँ पे नहीं बताई जाती हैं। और देखो कंपनी का यहाँ पे बता रहा है कि प्रोज एंड कॉन्स में दो दो पॉइंट है, तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेफ्री, मतलब कर्जा नहीं है कंपनी पे, ऐसा ये बता रहा है, और स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 0.78 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू के 0.78 पे चल रहा है, मतलब ये भी पॉजिटिव बता रहा है। बुक वैल्यू जो उसकी बुक की वैल्यू होती है, जैसे ये शेयर का प्राइस अभी चल रहा है 140 का, और बुक वैल्यू भी यहाँ पे देखो 178 है, तो यहाँ पे एक वैल्यू पकड़ी जाती है, उससे ये थोड़ा सा कितने परसेंटेज पे चल रहा है वो यहाँ पे बताया, तो अच्छा ही होता है। ठीक है, तो कोई ख़राब नहीं है बुक वैल्यू के 0.78 टाइम्स ये इट्स बुक वैल्यू के है वो। ठीक है, और यहाँ पे कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम है, लगभग 5% या 4.85, मतलब 5% पकड़ के चलो कि वो फॉर लास्ट 3 ईयर से लो है रिटर्न इसके। ठीक है, और यहाँ पे कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लगभग देखो बहुत है ज़बरदस्त बता रहा है, लायबिलिटी जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है वो 17000 करोड़ का कंटिंजेंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो वो इतने लोगों को पैसा देने का ये होता है लायबिलिटी, किसी को भी जिसका इंश्योरेंस रहेगा पेएबल रहेगा, इतना ये चीज़ लायबिलिटी में है, अभी भी इतना पेएबल है, तो कोई बड़ी बात नहीं, इंश्योरेंस कंपनी है तो उतना तो लायबिलिटी हो सकता है पेमेंट के लिए। ठीक है,
और यहाँ पे अभी हम इसका रिजल्ट्स देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स कंटिन्यूसली 2018 से बताया, तो थोड़ा फटाफट हम यहाँ पे सेल्स देख लेते हैं। देखो 8,500 करोड़ का इसका स्टार्टिंग में 2018 में था, फिर 3 महीने बाद इसका 6.5 हो गया, फिर देखो अचानक से बढ़ गया सेल्स, 18,000 करोड़ का हुआ, फिर 13, फिर 9, तो इनस्टेबल है सेल्स, बढ़ता है कभी कम होता है। तो देखो 9,950 करोड़ का, फिर 14,800, तो अनस्टेबल है ये पूरा। तो इस वजह से ये उसके प्रॉफिट एंड लॉस में भी वही चीज़ दिखती होगी, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से हो रहे हैं। देखो 18,000 करोड़ का अगर ये करते तो 18,000 करोड़ का इनका एक्सपेंस भी हो रहा है, तो उसी हिसाब से तो प्रॉफिटेबिलिटी भी वहाँ पे कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो इसका नेट प्रॉफिट फिर क्या निकल के आता है, यहाँ पे 336 का है, फिर वहाँ से बड़ा, फिर यहाँ माइनस में है, यहाँ पर भी 1,000 करोड़ का माइनस में है, फिर यहाँ पे 550 करोड़ का माइनस है, यहाँ पे 750 करोड़ का माइनस है, तो यहाँ पे 1,000 करोड़ प्रॉफिट में, तो प्लस माइनस ही ये कंपनी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी 2011 से यहाँ पे रिजल्ट है, तो 2011 से देख लो कंपनी का रिजल्ट कैसा है। 9,500 करोड़ का सेल किया, फिर 11,000 करोड़ का, फिर 13, फिर से 13,000 करोड़ देखो कंटिन्यूसली, फिर 26,000 करोड़ का, 38, फिर यहाँ पे 47 करोड़ तक यहाँ पे पहुँच गया, तो कंटिन्यूसली बड़ा। बीच में 50,000 करोड़ का सेल किया था कंपनी ने, बट उसके अगेंस्ट में एक्सपेंसेस देखो 52,000 करोड़ का, तो यहाँ पे लॉस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब लॉस में ही आया ये, और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे लॉस में ही निकला, ठीक है। और अदर इनकम की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे दिखा, वो एडजस्ट हो गया, अदर इनकम नहीं होता तो ये ओवरऑल ज़्यादा लॉस दिखता। तो इस वजह से कंपनी का देखो फिलहाल तो अभी मार्च 21 में ये प्रॉफिट में है, और अभी 22 तक भी ये अभी मार्च के बाद का भी इसका पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है, प्रॉफिट ही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लिया हमने, तो यहाँ पे बहुत मिक्स रिजल्ट है, बट मेजॉरिटी चीज़ पॉजिटिव है यहाँ पे रिजल्ट्स में भी। और यहाँ पे बैलेंस शीट में देखेंगे तो देखो बैलेंस शीट में मेन चीज़ मुझे देखना पसंद होता है कि उस पे कर्जा है क्या, तो उन्होंने बोला ऑलमोस्ट डेट फ्री है, मतलब कम्प्लीटली ज़ीरो बोरोइंग है, गवर्नमेंट कंपनी है ऑलरेडी, गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी नहीं है, तो यहाँ पे डेट फ्री है, कर्जा नहीं है कंपनी पे, तो कर्जा नहीं है तो कंपनी डूबने के चांसेस नहीं होते, और गवर्नमेंट कंपनी तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। कंपनी को गवर्नमेंट कभी भी कैसे भी बचा सकती है, और इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा बहुत हो जाता है। तो ये स्क्रीनर पे जो डेटा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। अभी इसका हम थोड़ा मनी कंट्रोल पे देखेंगे, ओवरव्यू इसका कैसा है, ठीक है। मनी कंट्रोल क्या बता रहा है, तो मनी कंट्रोल पे यहाँ पे NSE BSE का दोनों पे शेयर है ये, और इसका जो प्राइस चल रहा है यहाँ पे, ये डाइवर्सिफाइड में है सेक्टर, और आज ही के दिन इसने 139 का लो से 139.60 और 141 तक ये गया था, वो मतलब लगभग 2 रुपये ऊपर गया था, फिर यहाँ पे डाउन आया, ठीक है। और ये 116 का इसका लो था, 52 वीक हाई 244 है, 244 है, और 52 वीक लो 116 है, तो अभी भी लो के आसपास है, और लो से ये लगभग हाई इसका डबल, तो डबल से भी ज़्यादा है, ठीक है, डबल पकड़ के चल सकते हैं हम, तो 100% इसको इसका देना पड़ेगा तब ये हाई तोड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ देख लो कंपनी में, 9 स्ट्रेंथ है, 2 वीकनेसेस है, 4 अपॉर्चुनिटी है, 1 थ्रेट है, तो 9 स्ट्रेंथ मतलब अच्छी बात है 2 वीकनेसेस के अगेंस्ट, और 9 में से 1 बता रहे हैं वो कि हाई पेट्रोस्की स्कोर कंपनीज विद अ स्ट्रांग फाइनेंशियल, कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रांग है, फाइनेंशियल स्ट्रांग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये डेट फ्री कंपनी इसलिए, ठीक है। वीकनेसेस 2 बता रहे हैं, बियरिश अभी ये कैंडल जो होता है, ठीक है, इंगल्फिंग जो कैंडल है उसका बता रहे हैं बियरिश रिवर्सल है, तो वीकनेसेस है कि ये थोड़ा बियरिश जा रहा है, थोड़ा डाउन जा रहा है, तो ये छोटे मोटे टारगेट्स होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत ये डाउन जाएगा फिर अप जाएगा। और अपॉर्चुनिटीज़ देखो 4 है, ठीक है, तो राइजिंग डिलीवरी परसेंटेज डिलीवरी का अच्छा से बढ़ रहा है,
ठीक है, कंपेयर टू प्रीवियस डे। तो लोग डिलीवरी पे ये शेयर उठा रहे, ये भी अच्छी बात है। देखो, 4 अपॉर्चुनिटी है और 9 स्ट्रेंथ है, अच्छी बात है। और 2 वीकनेसेस को हम इग्नोर करके ही चल सकते हैं। एक थ्रेड बता रहा है नॉन कोर इनकम की तरफ उनका ट्रेंड बढ़ रहा है, मतलब देखो अदर इनकम आ रही है कोई ना कहीं, तो वो नॉन कोर इनकम है, मेन बिजनेस से अदर इनकम, ठीक है। तो वहाँ पर भी ट्रेंड बढ़ रहा है, बट वो कोई इतना डरने की बात नहीं होती है, ठीक है। अभी हम इसका मार्केट कैपिटल देखो, देख लिया ऑलरेडी 24,000 करोड़ की, 24,500 करोड़ की कंपनी है। डिलीवरी थोड़ा 26-27% तक ये लोग शेयर इसके उठा रहे हैं डिलीवरी पे, ये 20 दिन का एवरेज निकाला है। और फेस वैल्यू इसका 5 रुपये का है। पीबी रेशियो स्ट्रांग ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी ये डेट फ्री कंपनी है और पी भी अच्छा है, 9-9.5 का पी आ रहा है, तो अच्छा है। सेक्टर के पी से भी कम नज़र आ रहा है, तो अच्छा है। अर्निंग पर शेयर 14 का आ रहा है, मतलब हर शेयर पे अर्निंग कितना हो रही है वो यहाँ पे बता रहा है, तो ठीक ही, ठीक ठाक है, अच्छा ही है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। और यहाँ पे इसका अभी हम चार्ट देखेंगे, एडवांस चार्ट देखो। तो एडवांस चार्ट यहाँ पे 1 साल का डायरेक्ट पहले देखते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारे चार्ट देख लिए, परफॉर्मेंस देख लिए। अभी हम डायरेक्ट यहाँ पे 1 साल का चार्ट देखेंगे, फिर इसका उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, फिर उसके बाद हम इसके 5 साल और मैक्स देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 साल का चार्ट नहीं आ रहा है, इनवैलिड सिंबल बता रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है चार्ट में। और तो थोड़ा चेंज करके देखता हूँ, तो इनवैलिड आ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है कभी कभी मनी कंट्रोल के साइड पर, बाकी नेट का तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमने बाकी ऑलरेडी ये टिकट टेप पे देखा हुआ है, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, इसीलिए कभी कभी ये प्रॉब्लम आता ही है। इस वजह से मैं ऑलरेडी 2-3 जगह से आपको डेटा दे देता हूँ, ठीक है। और ऑलरेडी मैं आपको बता दूँ, ये 5 साल से कंपनी है, इसके पहले ये कंपनी नहीं थी। तो हमने अगर टिकट टेप पे भी देखा रहेगा तो 2017 से ही इसका मैक्स बताया था और वो मैक्स में भी उसने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया था, ठीक है, नेगेटिव रिटर्न थे। तो 5 साल से कंपनी आई है, उसके पहले ये कंपनी मार्केट में, शेयर मार्केट में नहीं थी, बट ऐसे बाहर तो ऑलरेडी उसका वर्किंग बिजनेस चलता था। अभी इसका परफॉर्मेंस देखो, प्राइस परफॉर्मेंस इसका लगभग, ये इसने -1%, मतलब एक वीक में नेगेटिव रिटर्न दिए है, एक महीने में अच्छा रिटर्न दिया 4-4.5% का, 3 महीने का भी रिटर्न देखो यहाँ पे, 3 महीने से लेके 1 साल तक रिटर्न उसके कोई खास नहीं, मतलब स्टेबल ही है शेयर, ज़्यादा कोई लॉस भी नहीं, तो यहाँ पे पैसा आपका सेफ रहा, ये देख लो, समझ लो, ठीक है। और यहाँ पे 3 साल का यहाँ पे रिटर्न देख लो, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। 3 साल में भी कंपनी ने कुछ दिया नहीं, ऑलरेडी हमने देखा भी है कि 3 साल रहे या 5 साल का चार्ट देखो, कम्प्लीटली ये कंपनी ने कुछ ज़्यादा रिटर्न दिया नहीं है। और यहाँ पे एक रिज़ल्ट बताया जा रहा है, और वो रिज़ल्ट है यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस कंसोलिडेटेड सितंबर 2021 का नेट सेल्स है, और वो नेट सेल्स सितंबर का जो 1600 करोड़ का नेट सेल्स है वो 152% से बढ़ गया है ईयर ऑन ईयर, मतलब लास्ट ईयर से ये ईयर का सेल्स अच्छे से बढ़ गया है, 152% से बढ़ गया है। तो ये अच्छी बात होती है कि सेल्स में ग्रोथ आना हर साल, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। अभी इसका फाइनेंशियल्स देखेंगे तो रेवेन्यू देख लो, कंपनी रेवेन्यू का आपने देखा कि अप डाउन बहुत होता है ये कंपनी के रेवेन्यू में। तो रेवेन्यू पहले 4000 करोड़ का था 2017 में, फिर 3800 करोड़, फिर 4500 करोड़, फिर 800 करोड़, देखो कितना बुरी तरह गिरा। ये एक्चुअली कोविड का भी रीज़न हो सकता है, बट इंश्योरेंस कंपनी है फिर भी ये ज़बरदस्त इसका रेवेन्यू गिर गया, फिर उसके बाद ज़बरदस्त बढ़ भी जाता है रेवेन्यू। 2021 में 3200 करोड़ का रेवेन्यू हो जाता है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख लो, कंपनी का नेट प्रॉफिट, कंपनी का लगभग 3200 का नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी अच्छा है, फिर 3002 यहाँ पर भी 200 के आसपास ही है प्रॉफिट, और यहाँ पे 2600 के आसपास का प्रॉफिट है। यहाँ पे माइनस गया है क्योंकि 2020 में ऑलरेडी कोविड सिचुएशन की वजह से इनको लॉस हुआ है, ठीक है। बाद में देखो प्रॉफिट में ही है, 1824 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। तो कंपनी ने
ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, बीच में ही एक बार लॉस किया है, ठीक है, तो सिचुएशन हम थोड़ा समझ सकते हैं कि क्यों हुआ रहेगा। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग का पैटर्न देख लो तो सबसे ज़्यादा शेयर्स कंपनी के प्रमोटर के पास है, और प्रमोटर कौन है ये आपको पता चल गया कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और गवर्नमेंट के ही पास सबसे ज़्यादा शेयर्स है, मतलब लगभग 86% पकड़ लो कि 86% कम्प्लीटली उनके पास है। बाकी जो मार्केट में जो शेयर पड़े हैं जो लेने लायक है वो 14% ही है, तो आप और मैं हम लोग 14% में ही शेयर्स खरीद सकते हैं अगर ये बेचेंगे तो, ठीक है। FIS जल्दी बेचते नहीं है शेयर्स, तो FIS के पास 0.5% है। DIS भी जल्दी बेचते नहीं है बड़े इन्वेस्टर्स, तो DIS के पास भी लगभग 11% है। तो पब्लिक के पास 2.5% ही है शेयर्स, या लगभग 3% पकड़ लो 2.8 है, तो पब्लिक ही शेयर बेचेगी, तो 2.5% का ही शेयर मार्केट में ज़्यादा घूमेगा, ठीक है। बाकी DIS जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी थोड़ा ज़्यादा टाइम होल्ड करते हैं, और FIS भी थोड़ा ज़्यादा टाइम होल्ड करके रखते हैं शेयर्स, ठीक है। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड देखो, म्यूचुअल फंड ने 6 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इसमें पैसा लगाया, तो म्यूचुअल फंड अच्छा इस पर ट्रस्ट करती है ये कंपनी पे, तो म्यूचुअल फंड कर रही है तो आपको क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये दिसंबर का डेटा है, एक एक्स्ट्रा और बढ़ गया है यहाँ पे, ये भी बता रहा है कि एक जन और ऐड हुआ है। और FIS और FPI की बात करें तो फॉरेन के इन्वेस्टर इसमें 58 फॉरेन के इन्वेस्टर्स बैठे हैं, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले, और इंडिविजुअल भी इन्वेस्टर होते हैं फॉरेन के, वो 58 है, और जिनमें से अभी रिसेंटली 3 बड़े हैं और बढ़ गए हैं, और ये है दिसंबर का डेटा का न्यूज़ है, ठीक है। तो ऑलरेडी FIS का अच्छा भरोसा है, देखो FIS 0.5% है, बट उसके 0.5% में भी 58 FIS आ गए, तो ज़बरदस्त इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है म्यूचुअल फंड ने और FIS ने, और पब्लिक के पास भी है लगभग 2.5-3% तक उनके पास भी शेयर है, तो ऑलरेडी ये कंपनी का शेयर फिलहाल मेजॉरिटी चीज़ें तो पॉजिटिव हैं, और गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी पे ट्रस्ट करके चल सकते हैं, और इंश्योरेंस का बिजनेस है इनका, और इंश्योरेंस कंपनी को ये रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, हैंडल करती है, और उनका बिजनेस संभालती है, ठीक है। तो अच्छा है कंपनी का बिजनेस, और गवर्नमेंट अंडर में है तो ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, आज नहीं तो कल ये कंपनी प्रॉफिट देगी ही। और ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनी थोड़े स्लो ही होते हैं, जल्दी ज़्यादा फास्ट परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, बट सेफ्टी के लिए आप लेके रख सकते हो। ऑलरेडी ये डिविडेंड भी नहीं देती, बट अभी इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, जब बढ़ेगा तो ज़्यादा ही रिटर्न देने के चांसेस है। फिलहाल मेरे पास है और मेरे पास होते हैं वही शेयर, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पोर्टफोलियो में है, और इसी वजह से मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, और बाकी आपकी मर्जी होती है आपको खरीदना है नहीं खरीदना है, ठीक है। बट ये यहाँ पे मेरे पास है तो मैं इसमें प्रॉफिट लेके इसमें से कम 20-25% इसमें से प्रॉफिट लेके इजीली निकल जाऊँगा, मिनिमम तो 20-21% तो इसमें से इजीली लेने वाला हूँ। और ये जब भी ये भागेगा तो समझ लो एक महीने के अंदर, डेढ़ महीने के अंदर जब भी भागे तब मैं इसमें से प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बोलेंगे तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ये शेयर बहुत ज़्यादा लॉन्ग रहोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट देने के चांसेस इसमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये ओवरऑल बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी को जो हमने 4-5 अभी मर्ज होके 4 ही कंपनी बनी है बची है, तो वो कंपनियों को ये हैंडल करता है, इसके अंडर में है, तो मेन है ये वो इंश्योरेंस कंपनी की, जनरल इंश्योरेंस कंपनी की, तो इस वजह से ये कंपनी का ऑलरेडी बिजनेस उन्हीं के वजह से इनको बिजनेस मिलता है, और अच्छी बात है कि ये आगे जाके और भी ग्रो कर सकती है, ठीक है। तो फिलहाल ये इसके बारे में मैंने अपना रिव्यू दे दिया है, और जो भी रिव्यू दिया है, जो भी मैंने एनालाइज़ किया है, जो भी डेटा यहाँ पे अवेलेबल उसी पे किया है, तो कोई यहाँ पे मेरे मन से बात की नहीं है कि कोई चीज़ें, ठीक है, जो भी है। और मैं एक्सपेक्टेशन और ऑलरेडी मैं स्विंग ट्रेडिंग करने की वजह से इसमें जो मिनिमम टारगेट है वो मैं लेके रहता हूँ, जो मुझे जितना चाहिए, मैं ज़्यादा लालच नहीं दिखाता ना मैं खुद लालच में रहता हूँ, ठीक है। मिनिमम टारगेट जो है 20-25% का रिटर्न मैं लेने की हमेशा कोशिश करता हूँ, शायद अगर कोई शेयर ज़्यादा रिटर्न देता रहेगा, फास्ट ग्रो होता है, तो वो भी ले लेता हूँ,
या फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म से थोड़ा ज़्यादा टाइम भी होल्ड किया हो तो उसमें से ज़्यादा प्रॉफिट निकल जाता है। बट यहाँ पे फ़िलहाल ये अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी में नज़र आ रहा है, इस वजह से अभी से इसको लेने के बाद ये 20-25% ईजीली दे सकता है ये शॉर्ट टर्म के अंदर, एक या डेढ़ महीना दो महीना अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये मेरा रिव्यू है। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो अच्छे अच्छे शेयर्स पता चलेंगे। मार्केट में बहुत अच्छे शेयर्स होते हैं जो आपको नहीं पता होते, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, खुद का एनालाइज़ कर सकते हो। और ऑलरेडी मैं खुद भी एनालाइज़ करके आपको बता ही रहा हूँ और ऑलरेडी मैं खुद प्रॉफिट भी करके बता रहा हूँ, और मेरे प्रॉफिट की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने भी मिल सकती है कि सच में पैसा कैसे शेयर मार्केट से कमाया जाता है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।